बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। आज हम नाइन्थ क्लास मैथ, इसमें टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट मीन भी मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लें वो कौन सी मैट्रिसेस होंगी, ए एंड बी। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ, अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट इस डेफिनेशन में देखा आपने, दो मैट्रिक्स अगर दी हूं हमें और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों तो वो वेल डिफाइंड होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट सपोज दो हम मैट्रिसेस ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 3, 1, 0 और मैट्रिक्स बी लेते हैं 4, 1। अब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये हमारे पास वेरीफाई भी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। हमने ये पढ़ा, ये अंडरस्टैंड किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, अब इसमें दो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, ये बात याद रखनी है। अगर आप ये भूल गए पहले रोज ले ली तो फिर आपका गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, या कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, इसमें तो हमने ए भी सपोज किए हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम बी। अब ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ये देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम मैं ये लिख लूं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, 1 और ए मैट्रिक्स मैं लिख लूं इज इक्वल टू 2, 3, 1, 0 तो फिर हम देखते हैं कि ये कन्फर्मेबल है कि नहीं है। अब ये वेरीफाई करती है मल्टीप्लिकेशन को कि नहीं करती। अब बी मैट्रिक्स में दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और इसमें नंबर ऑफ रोज 2। तो हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो फिर ये नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास। हम बी ए नहीं फाइंड कर सकते, बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखा आपने, इसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए या कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए या बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ अदर मैट्रिक्स। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन होगी। ये भी आपने ख्याल रखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी एक अंडरस्टैंड करने का बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते ये हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
अब ए मैट्रिक्स से मैं लिख लेता हूँ ए बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू ये मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 1 0। ये फिर बी मैट्रिक्स साथ लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई को शो करेगा। हमने ये देखा, अब ये अंडरस्टैंड करना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसमें तो 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है। अब होता है ये है कि जो पहले मैट्रिक्स दी होती है उसकी ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ये हम मल्टीप्लाई करने का असूल है। जो पहले आपके पास दी होगी जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अब हम देखते हैं फर्स्ट रॉ में क्या है हमारे पास, ये देखें फर्स्ट रॉ में 2 3 है, और इधर कॉलम में हमारे पास क्या है 4 1 है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम यानी इसमें तो एक ही कॉलम है, अगर 2 कॉलम भी हो तो भी हम कर सकते हैं। अब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड दिस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 1, यानी 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, 3 को 1 से किया, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास है नीचे सेकंड रो, इसको फ्रंट पे लिखेंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो में 1 है, 1 को 4 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड 4 प्लस, फिर 0 है, 0 को इस 1 से, ये देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब 2 4 8 प्लस 3 4 1 4 प्लस 0 इक्वल टू 8 प्लस 3 11 4 प्लस 0 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब बात ये है कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है। जब तक आप इसको डेफिनेशन नहीं याद होगी आप मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि आप डेफिनेशन, इसकी टाइप्स की डेफिनेशन और ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जब तक ये इसका नहीं लर्न होगा आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।